स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम आए जॉब से छुट्टी जैसे हुई हम आए हैं चंडीगढ़ के सबसे बिगेस्ट मेले में जो जन्माष्टमी महोत्सव का मेला लगता है 20 सेक्टर में। तो अभी पीछे आपको दिखाता हूँ मैं कितनी क्राउड है। तो ये सब अभी मेले की तैयारी चल रही बिकॉज आज है 6 सितंबर और 7 सितंबर को अपना मेला है जन्माष्टमी का। फटाफट चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अपने सामने है ये एंट्रेंस मंदिर का। सो गाइज़ ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये है मथुरा का कारागार जहाँ श्री कृष्ण जी के असली माता पिता को मतलब दर्शाया गया है। सो ये दृश्य तब का है जब श्री कृष्ण जी के पिताजी उन्हें गोकुल ले जा रहे थे। सो गाइज़ ये दृश्य तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब श्री कृष्ण जी मतलब कालियानाग पर चढ़कर डांस नृत्य कर रहे थे बिकॉज कालियानाग ने पूरे यमुना नदी को दूषित कर दिया था अपने जहर से, तो उसका दृश्य ये। और ये शायद अपने अयोध्या में कुछ मतलब अपने श्री कृष्ण जी के घर पर कुछ हवन वन हो रहा होगा, तो ये गाँव को दर्शाया गया है अयोध्या को। तो बहुत ही मतलब अच्छा अद्भुत नज़ारा है। सो गाइज ये दृश्य देख के कुछ याद आया आप लोगों को, तो ये दृश्य तब का है जब श्री कृष्ण जी को एक सुंदर स्त्री बन के मतलब एक लेडीज जो अपना दूध पिलाती है, तो पर श्री कृष्ण जी उन्हें पहचान लेते कि ये मतलब राक्षसनी है जिसका नाम पुतना है। तो श्री कृष्ण जी को जब ये लेके हमें मुड़ती है तब की दृश्य दिखाया गया है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। सो गाइज ये है अपने मठ मंदिर का मतलब मुख्य मंदिर जो मतलब बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया गया है। तो ये आप जितना फूल देख रहे हो ऊपर से नीचे, तो इनमें से कोई सा भी फूल ये जो आप देख रहे हो ये कोई भी कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये सब के सब रियल लगे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत देखने। तो ये छोटा सा जो आपको पर्वत दिख रहा है ये है, इसे दर्शाया गया है गोवर्धन पर्वत की तरह बनाया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि श्री कृष्ण जी ने इसे अपने काली उंगली से उठा दिया था और उसके नीचे सभी गांव वाले मतलब आ गए थे। यही था ओवरऑल मठ मंदिर का व्यू। देखा आपने कितना मतलब अच्छा लगा, बहुत ही मन को शांति मिला, तिलक उलक भी करा लिया। अब हम बाहर को चल रहे हैं। सो फाइनली गाइस आ चुके हम मठ मंदिर से बाहर। तो अंदर का दृश्य तो बहुत ही खूबसूरत था यार, देखा आप लोगों ने बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम बाहर आए। सो आज तो कुछ भी भीड़ नहीं है गाइस, कल आप आना दोस्तों, बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी आपको। ये जितनी गाड़ियाँ इधर से आ जा रही हैं इनका सबका रास्ता बंद कर दिया जाएगा और ये रोड पूरा घचाघच बंदों से भरा रहेगा। आज की भीड़ से आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ पूरी दुकानें लगी अभी बीच में, जो आपको ये खाली फुटपाथ सा दिख रहा होगा ये बीच का डिवाइडर, ये भी जितनी तिरपाल बेची ये सब मतलब समझो कोई ना कुछ बेच ही रहे होंगे। तो पूरी मार्केट में मतलब इतनी शॉप आप लोगों को दिख जाएंगी कि सारा सामान मिल जाएगा आप लोगों को। एक सुई से लेकर मर गए घर की जितनी एसेसरियाँ होती है सब कुछ इस मेले में मिलने वाला आप लोगों को, सब कुछ भाई। दोस्तों इस मार्केट में आपको सब कुछ मिलने वाला है इस मेले में। तो आप बच्चों की चीजें और घर की एसेसरियाँ मतलब कंप्लीट सामान आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ घर में डेकोरेशन करने के लिए एक से एक चीज़ें देख सकते हो आप लोग। तो बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लूट बज रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो ये भैया भी बजा रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छा मतलब मधुर आवाज़ में भाई। लोग एक बार बजाना भैया, एक अच्छा सा मतलब कोई आवाज़ बहुत ही खूबसूरत। तो आपको फ्लूट कितने रुपए भैया? 200 बस बजाने पर डिपेंड करता ना जिसे आएगा वो। गाइस
50, 100, 200. अब वहाँ पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी मतलब फ्लूट बजा सकते हो। भैया के अंदर तो टैलेंट है, ये भी बजा लेती है। ले ले फिर एक ले ले, भैया की बिक्री हो जाएगी, बजा सकते हैं आप। वोट पे बैठेगी, चल बैठ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस भीड़ ज्यादा होने के कारण शायद से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक पिंकी सांप, वो देख, यह डराने के लिए बहुत है। कितने का अंकल? 30 का है जी। चल कैसे रहा है? चलाइयो पिंकी। तो भाई डराने के लिए बहुत है। अंकल ये आपने बनाया है हैंडमेड घर पे हाथों से? तो अंकल की कारीगरी देखो यार, कितना मतलब खूबसूरत है। अंकल ने खुद बनाया ये और सिर्फ 30 रुपए में बेच रहे हैं। हमारे घर अंकल कोई बच्चा है ही नहीं छोटा, नहीं तो ले लेते। वैसे आगे चल मंदिर वो है ना वहाँ पे हट। सो गाइस कमेंट करके बताना कौन कौन मेले में ये बजाया है। अब क्या रेट हो गया भैया इनका? बचपन में बहुत बजाया यार, 10 रुपए। इससे भाई रोड़ा पा देते थे पूरे मेले में। शायद कल होगा ऐसा शोर, आज तो कम है, कल होगा शायद ऐसा शोर, तो हर एक चीज दिख जाएगी भाई। ये देखो छोटे छोटे यार बहुत भीड़ होने वाली कल भाई साहब। आज तो ठीक है जो भी है। तो यहाँ हर जगह बस लड़ाई हो रही है। So guys, ये पता कि ये इस चीज की लड़ाई हो रही है मतलब अपने अड्डे के लिए, मतलब जगह के लिए, दुकान लगाने के लिए। बिकॉज कल बहुत बड़ा मेला लगेगा तो तैयारियां तो करनी है भाई, जगह जगह अपना अपना जगह देखना, क्योंकि पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिलने वाली यहाँ। जितना रोड है पूरा भरा हुआ हो मिलेगा आप लोगों को। गाड़ियां भी बंद ही होंगी, इधर आना जाना सब कुछ बंद होगा। एक और सामने टेम्पल है अपने, तो उस टेम्पल में भी भीड़ लगी है। चलो अंदर ले चलता हूँ मैं दूसरे टेम्पल में भी। दोस्तों ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। डेकोरेशन हो रखा है, तो हरियाली भी है साथ में भाई मंदिर के अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तो यहाँ पे गाइस अभी डेकोरेशन की तैयारियाँ हो रही कल के मेले के लिए। मंदिर को पूरा मतलब गुब्बारों से सजाया जा रहा है। अभी यहाँ तैयारियाँ जोरों शोरों से हैं इस मंदिर में, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा मंदिर में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, आप लोग जरूर आए। 20 सेक्टर में ये अपना कौन सा एड्रेस क्या था, 20 सेक्टर में मठ मंदिर के, मतलब मठ मंदिर आपको रोड के राइट साइड मिलेगा और ये लेफ्ट साइड मिलेगा। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है गाइस, एक बार आना जरूर आप लोग। तो शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया, तो हमें मंदिर में ही ज़्यादा टाइम लग गया। अब का शाम का व्यू कुछ ज़्यादा ही ऑसम है।
सो गाइस हमने देखे अभी दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कृष्णा, बिकॉज क्यों ना दिखे यार, आज के दिन हर एक माँ अपने बच्चे को कृष्णा के रूप में देखना चाहती है, बिकॉज मतलब हर माँ के लिए उसका बच्चा कृष्णा ही है। बस फाइनली गाइस शाम हो चुकी है, अब शाम का व्यू तो और भी ज़्यादा अद्भुत। और एडवर्टाइजमेंट खतरनाक। तो गाइस हम जब आए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, अब आप भीड़ देख सकते हो, जैसे जैसे रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो गाइस खाने वाले बंदों के लिए खाने का अभी जलेबी, जिस जो जलेबी लवर है भाई, जलेबी देखो कितनी बड़ी है। ये बड़ी वाली कितने की भाई? बड़ी वाली सैंपल है भाई। अच्छा ये तो गाइस इतनी बड़ी जलेबी मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। गाइस जो फूड लवर है उनके लिए फूड पूरा स्टॉल लगा है, पूरा ये सारा फूड स्टॉल है। गोलगप्पे लवर के लिए गोलगप्पे, आइसक्रीम लवर्स के लिए आइसक्रीम। जी देख कितना एफर्ट करते इतना ज्यादा वजन लेके, यार बहुत इम्पॉसिबल है ना। तू उठा लेगी इतना वजन? मैं कहने जा रही थी तू उठा लेगा इतना वजन। सो इतना इतना वजन लेके चलना पड़ता भाई ने। सब कल तक बिक जाएगा इसीलिए इतना वजन। इन्होंने अपना मतलब पूरा जो स्टॉक है ना इनका, ये पूरी रात आज इनकी रखवाली करने वाले हैं। सो गाइस फाइनली हम मेले से बाहर आ चुके हैं, तो बिकॉज अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो ओवरऑल जो आपने ये देखा व्यू, ये था भाई अपना 20 सेक्टर का श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा मतलब महोत्सव, सबसे बड़ा मेला जो कि चंडीगढ़ में 20 सेक्टर में लगता है। तो जस्ट हम यहाँ से गुजर रहे थे क्योंकि ये हमारे रास्ते में आता, जब हम जॉब पे जाते हैं तो 20 सेक्टर होके हम जाते हैं। तो जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि कल बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, तो आज ही 6 सितंबर है, तो आज देखा आपने कितना क्राउड कितनी भीड़ है। कल तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलनी आप लोगों को, खड़े होने की भी नहीं मिलनी इस वक्त। तो हम निकलते फटाफट घर। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सो मिलते हैं बाद में, कल या परसों। बाय।